स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लिव इन प्रीवियस वीडियो। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, वायु कैसे प्रदूषित होती है। बुजू रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमोसफेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। बुजू को विशेषतः सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है। दिस इज स्मोग, यह धूम कोहरा होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह होता है स्मोग। दिस इज स्मोग विच इज मेड अप ऑफ स्मोक, जो ये धूम कोहरा होता है जो धुआं ये हो गया, जैसे जंगलों में आग लगती है या कहीं आग लगती है उसमें से जो धुआं निकलता है वो ये हो गया धुआं, या फिर मेल में से निकलता है धुआं और फॉग, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है स्मोग। एक ये धुआं और एक फॉग, कोहरा ये हो गया कोहरा, कोहरा जो विंटर्स में जाड़ों में आप सर्दी में आप देखते हैं सुबह सुबह, तो वो होता है फॉग। तो इन दो चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ होता है स्मोग, धूम कोहरा जिसको हम कहते हैं। दिस इज स्मोग विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, ये धूम कोहरा होता है जो धुआं तथा कोहरे से बनता है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच कम्बाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषित तथा कोहरे के संयुक्त से धूम कोहरा बनाते हैं, और इसमें और दूसरे एयर पोल्यूटेंट भी होते हैं, यानी जो हवा को गंदा करने वाले, जैसे धूल हो गई, मिट्टी, वही धूल जो उड़ती है, और दूसरे पोल्यूटेंट्स भी होते हैं जो कि कोहरे के साथ मिलकर स्मोक बनाते हैं हमारा, जिसको हम स्मोक कहते हैं। द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, जो धुएं संयुक्त से धूम कोहरा कहते हैं, इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा जैसे हो जाता है, दमा यानी अस्थमा, जो एयर पोल्यूशन से जो होता है, जैसे ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये गाड़ी से जो निकलता है धुआं उसको कहते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये इंडस्ट्री से ये हो गया अस्थमा। अस्थमा में ये होता है हमारी जो वो होती हैं एयर वेव्स के पाइप जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो उसके अंदर उसका जो पाइप होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कुछ सूजन स्वेलिंग हो जाती है और वो पतली हो जाती है, वो पतला हो जाता है हमारा पाइप जहाँ से हम सांस लेते हैं। ये देख सकते हैं आप जैसे इस इमेज में, ये हेल्दी एयर पाइप है, ये इसका ये जो है पार्ट ये चौड़ा है, इसमें जो पतला हो गया है सूजन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से। मैन अस्थमा कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रंस, इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा खांसी तथा बच्चों में सांस लेने सांस के साथ हराहराहट उत्पन्न हो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू नॉट मिस एन अपडेट।